हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शेख होम गार्डन। आज हम इंटीरियर डिज़ाइन के लिए एक लाइट ट्री बना रहे हैं, चाहे इसे आप लाइट ट्री कहिए या गोल्डन ट्री। ये लाइट ट्री बनाने का तरीका देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट ट्री बनाने के लिए आपको जेवर, 50 मीटर्स प्लास्टर, डेकोरेटिव लाइट्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, गोल्डन टेप, प्लास्टर ऑफ पेरिस या वाइट सीमेंट, सैंड और एक पॉट जिसमें हम गोल्डन ट्री प्लेस करने वाले हैं, लाइट कनेक्शंस के लिए और एक अडैप्टर। चलिए मेकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 मीटर के 3 वायर्स, 3 मीटर के 3 वायर्स और 4 मीटर के 3 वायर्स को कट कर लेंगे। अब इन वायर्स को डबल करके रोल कर लेंगे। आप मैन्युअली भी रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ड्रिल मशीन की मदद से इन वायर्स को रोल किया है। चलिए देखते हैं ड्रिल मशीन से इन वायर्स को कैसे रोल करते हैं। इसी तरह से सारे वायर्स को रोल कर देंगे। अब इन रोल किए सो सारे वायर्स को इकट्ठा कर 1.5 फीट तक सारे मिलाकर रोल कर देंगे, जैसे कि ट्रंक। अब ये 1.5 फीट जो हमने रोल किया है वो होगा गोल्डन ट्री का ट्रंक। गोल्डन ट्री के ट्रंक होने के बाद अब हम ब्रांचेस को सेट कर लेंगे। जैसे चाहे वैसे अब हम इन ब्रांचेस को सेट कर सकते हैं। इस ट्री को अब हम लाइट लगा लेंगे। ये डेकोरेटिव लाइट्स में हम लीव्स और वॉल्स परचेज किया है। ये डेकोरेटिव लाइट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो वैसे ही लाइट्स लगाना है। प्लास्टर की मदद से इन लाइट्स को ब्रांचेस पे लगाना है। एक ब्रांच पे 2 से 3 लाइट्स आनी चाहिए। इसी तरह से पूरे ब्रांचेस पे लाइट्स लगाना है। 9 ब्रांचेस को तकरीबन 3 एलईडी स्ट्रिंग्स लगा है, 2 लीव्स का सेट और 1 बॉल्स का सेट। अब इस प्लास्टिक पॉट में गोल्डन ट्री को रखने वाले हैं। इस पॉट में इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस और सैंड मिलाकर गोल्डन ट्री के ट्रंक को बीच में रखना है। इस पॉट को बिना डिस्टर्ब किए 1 दिन रख देना है ताकि गोल्डन ट्री का बेस सूख जाए। गोल्डन ट्री का बेस सूखने के बाद अब हम गोल्डन टेप की मदद से या ग्लिटर टेप की मदद से इन ट्रीज को पूरा कवर कर देंगे। पूरे ट्री को कवर करने में 5 ग्लिटर टेप्स लगे। अब हम लीव्स और बॉल्स को एलईडी पे एक एक करके लगाएंगे। एक ब्रांच पे 2 लीव्स और 1 गोल्डन बॉल। ये बॉल्स गोल्डन फ्रूट की तरह दिखाई देंगे। इस अडाप्टर की मदद से हम करंट कनेक्शन देंगे। ये गोल्डन ट्री बनकर तैयार हो गया है। ग्लिटर टेप रहने से ये लाइट्स रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हो ये गोल्डन ट्री या लाइट ट्री दिखने में काफी शानदार है। इसको आप घर में अनयूज्ड जगह पर रख सकते हो। इसे आप बेड लैम्प की तरह भी यूज कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको हमारी मेहनत और कोशिश पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको शेख होम गार्डन से न्यू अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।